हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जिसमें आज हम देखने वाले हाई पेइंग जॉब्स आफ्टर बीसीए। देखिए बीसीए के बाद वो कौन कौन से जॉब्स है जिसमें सबसे ज्यादा पैसे थे, वो कौन से जॉब्स है अगर आप जो है बीसीए करने के बाद तो करते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा पैसे आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिए और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। और चलिए देखते हैं हाइएस्ट पेड जॉब्स आफ्टर बीसीए। तो देखिए सबसे पहले जो है वो आता है सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो देखिए अगर आप जो है सॉफ्टवेयर डेवलपर बनते हो बीसीए के बाद तो वहाँ पे जो है आपको अच्छा खासा पैकेज देखने को मिल जाता है। जैसे कि एवरेज सैलरी अगर हम बात करें एंट्री लेवल पे तो वहाँ पे 5 लाख से लेके 8 लाख तक का पैकेज पर ईयर के लिए मिल जाता है। और अगर आपको एक्सपीरियंस आ जाता है कुछ सालों का तो उसमें आपको 10 लाख से लेके 20 लाख तक का पैकेज मिल जाता है बीसीए के बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर वालों के लिए। यहाँ पे आपको जो भी डिजाइन होता है सॉफ्टवेयर का, उसका टेस्टिंग करना, उसे मेंटेन करना, ये काम आप जो है करते हो वहाँ पे। क्या होता है डेटा साइंटिस्ट, अगर आप बीसीए के बाद डेटा साइंटिस्ट बनते हो जहाँ पे अलग अलग जो भी लार्ज डेटा सेट होते हैं उसे एनालाइज करना, उसकी जो भी इंसाइट्स वगैरह होते हैं उसे जो डिजाइन करना, या मशीन लर्निंग हो गया, एआई हो गया, वो यूज करके जो भी आप जो है वहाँ पे काम करते हो डेटा साइंटिस्ट में, तो यहाँ पे भी जो आपको अच्छा खासा पैकेज देखने को मिल जाता है। एंट्री लेवल पे लगभग 8 लाख से लेकर 12 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। और अगर कुछ सालों का एक्सपीरियंस आने के बाद ये जो है 15 से 25 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाता है डेटा साइंटिस्ट के लिए। तो अच्छा खासा पैकेज है, ये भी आप कर सकते हो बीसीए के बाद। उसके बाद आता है बैकएंड डेवलपर। देखिए जो भी वेबसाइट का जो बैकएंड होता है डेटाबेस के रिलेटेड सर्वर साइड, तो वो आप वहाँ पे डेवलपर बनते हो तो वहाँ पे भी जो आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, जहाँ पे जो भी सर्वर साइड लॉजिक्स होता है वेब एप्लीकेशन का उसे बिल्ड करना, मेंटेन करना, तो वो आप वहाँ पे काम करते हो। इसका जो एवरेज पैकेज होता है एंट्री लेवल पे वो लगभग 6 लाख से लेकर 10 लाख तक का होता है। तो ये आपको अच्छा खासा पैकेज देखने को मिल जाता है। और कुछ सालों का एक्सपीरियंस आने के बाद ये लगभग 12 लाख से लेकर 20 लाख तक का पर ईयर के लिए आपको मिल जाता है। तो इसमें भी जो अच्छा खासा पैकेज आपको देखने को मिल जाता है। तो उसके बाद थर्ड नंबर पे बात करें तो देखिए थर्ड नंबर पे आता है साइबर सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट। आप बीसीए के बाद ये भी काम कर सकते हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहाँ पे उस साइबर रिलेटेड जो भी थ्रेट्स होते हैं या जो अटैक होते हैं उनसे आपको ऑर्गेनाइजेशन को बचाना होता है, जो भी वर्नबिलिटीज होती है उसे ढूंढ कर उसे जो है खत्म करना, उसका सोल्यूशन निकालना, वो आप करते हो। तो इसका जो एवरेज पैकेज होता है एंट्री लेवल पे तो वो लगभग 7 लाख से लेकर 10 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाता है। और एक्सपीरियंस के बाद ये लगभग 15 से 25 लाख तक का पैकेज मिल जाता है। उसके बाद आता है दो नंबर पे प्रोडक्ट मैनेजर। तो देखिए बीसी के बाद आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, जहाँ पे अलग अलग डिजिटल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें जो भी उसका डेवलपमेंट होता है, लॉन्च करना, ये आप काम वहाँ पे कर सकते हो, जहाँ पे जो स्टार्टिंग में सैलरी जो लगभग 8 लाख से 12 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाता है। और एक्सपीरियंस आने के बाद 15 से 30 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाता है। फर्स्ट नंबर पे आता है ब्लॉकचेन डेवलपर। तो देखिए अभी के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर हो रहा है ब्लॉकचेन डेवलपर, तो आप ब्लॉकचेन डेवलपमेंट में भी जा सकते हो। और इसकी जो एवरेज सैलरी होती है लगभग 8 लाख से लेकर 15 लाख तक का आपको एंट्री लेवल पे मिल जाता है। और एक्सपीरियंस के बाद यही 15 से 30 लाख तक का पैकेज आपको मिल जाता है। ये कुछ स्किल थे या जो जॉब्स थे जो आप कर सकते हो बीसीए के बाद। इसके बाद जो आपको सबसे ज्यादा पैकेज मिलते हैं बीसीए के बाद, हाईएस्ट पेड बीसीए जॉब्स होते हैं ये आप कर सकते हो। और इसके रिलेटेड और कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट में मुझे पूछ सकते हो, वहाँ पे मैं जो है हमेशा आपको रिप्लाई करते रहता हूँ।